जो सब कहते हैं सत्यात्रा आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में वो फिर से बात करने वाले हैं पिक्स मोबाइल के बारे में, जिसका अदर नेम है हाई एनर्जी हीरोज। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ और स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। ओके, और ये जो है अभी के लिए मैं iOS डिवाइस के बारे में, मतलब आईफोन एंड आईपैड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और मेरे को बताने वाला। अभी के लिए बस मैं इतना ही बता रहा हूँ कि जो गेम है वो 16 जुलाई और 13 जुलाई के बीच में आ सकता है, ठीक है। मतलब इसी मंथ में 13 और 16 के बीच में कभी भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी कब होता है ड्रॉप। सो गाइस पूरा वीडियो देखना और कुछ भी मिस मत करना, मिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे या तो तूने बुरी बातें बताई नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो होपफुली आप सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसे वीडियो आपको ला के रहूँगा। तो गाइस आप कोई भी स्टेप मिस मत करना अभी से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको अपने जनरल पे जाना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जो है वो है डेट एंड टाइम। ओके, डेट एंड टाइम पे जाके आपको यहाँ पे जो आपका जो टाइम जोन है उसको ऑफ करके यहाँ पे आपको चाइना कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चाइना सर्च करना है और चाइना जो मेन लैंड है उसका चाइना सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको बैक जाके यहाँ पे लैंग्वेज रीजन रहेगा, इसको इंडिया से हटा के आपको चाइना को कर लेना है, ठीक है। चाइना को करने के बाद आपका डिवाइस एक बार रिस्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको उसके बाद क्या करना है, आपको सब चीज़ मिनिमाइज़ करना है। मैं अभी अपना चाइना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे डिवाइस अगर रिस्टार्ट होगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो आपको जस्ट फिर क्या करना है, अपना ऐप स्टोर ओपन करना है। ऐप स्टोर होने के बाद आपको जो प्रोफाइल सनी सिंह नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करना है एंड थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कंट्री एंड रीजन, मैनेज पेमेंट के जस्ट नीचे कंट्री रीजन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा वेट करना है। एंड गाइस कोई भी स्टेप मिस मत करना, अगर आपको स्टेप मिस करोगे तो आपका जो है वो वेरिफिकेशन मांगेगा। एक्चुअली आजकल पहले तो स्टोरी इसलिए चेंज हो जाता था, मगर अभी जो जैसे ही आप चेंज करते हो, ठीक है, तो वो आपसे कंट्री का नंबर मांगने लग जाते हैं एटी से। सो गाइस कोई भी स्टेप चीज़ मत करना, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको चीज़ करना है। एंड एक और बात कि आपको कोई भी चीज़ मिनिमाइज़ नहीं करना है, यहाँ पर आपको चेंज कंट्री पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको उसके बाद चाइना मेनलैंड सर्च करें। यहाँ पर आपको चाइना मेनलैंड करके एक दिख जाएगा, आपको दिख रहा है ये चाइना मेनलैंड, बस इस पर क्लिक करना है आपको एंड थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, कुछ नहीं करना है, एग्री पे क्लिक करना है और एग्री कर देना है। थोड़ी देर और वेट करना है आपको, ये करना है। याद रखना आपको कोई भी चीज़ें मिनिमाइज़ नहीं करनी, आपको ये टैप मिनिमाइज़ नहीं करना है, वरना आपका चीज़ें नहीं होगी। आपको जस्ट यहाँ पे नन पे कर देना है पेमेंट ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीट पे आपको बेजिंग लिखना है, PEIJING एंड ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप छोड़ देना है। यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा है तो आप कोई भी पोस्ट कोड, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 06500605001, ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद रीजन जो है यहाँ पे आपको बीजिंग ही लिख दीजिए, आप यहाँ पे बीजिंग लिख दिए। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविनेंस मांगेगा, तो प्रोविनेंस मांगेगा तो यहाँ पे आपको बीजिंग ही करना है। ओके, डन कर देना। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर करना है, तो आपको एक कोई भी आपको मतलब कि आपके पास अगर दूसरा फ़ोन है तो वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है चाइना फ़ोन नंबर, कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर, चाइना रैंडम फ़ोन नंबर, ठीक है, आपको कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाइना का कोई भी फ़ोन नंबर डाल देना है, लाइक 30574 26, आप ये नंबर भी यूज़ कर सकते हैं जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, 26387387, बस आपको कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड बस आपको वेट करना। ओके, तो गाइस आपको एक बार अपना फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना, मैंने भी अपना फ़ोन एक बार रीस्टार्ट कर चुका है, ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद। उसके बाद अपने आपको जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना लिंक सेव करके रखा हुआ है, जस्ट ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है आपको। फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे हाई एनर्जी हीरोज पे आ जाएंगे, बस आपको यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, मैंने गेट पे क्लिक कर दिया। एंड याद रखना ये चीज़ 16 जुलाई को आने वाला है। ओके, आई एम नॉट कंफर्म कि ये एंड्रॉयड पे आएगा या फिर
आईओएस पे आएगा पहले, मगर मैं कंफर्म कर सकता हूँ ये जो है वो आएगा ज़रूर 16 और 13 के बीच में ऑफ दिस जुलाई। ओके एंड कंफर्म कर देना, एंड ये आपका प्री रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये आपको आफ्टर 15 मिनट्स एंड आपको टिक दिखाएगा नॉट नाउ, एंड मेरा प्री रजिस्टर हो गया। इसके बाद आपको गाइज एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है वी चैट। ओके तो गाइज आपको ये यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है वी चैट। तो गाइज एक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चाइना का फ्रेंड है। ओके आपके पास होंगे ही मे बी कुछ लोगों के पास चाइना का फ्रेंड है, या फिर कभी कभी आप कुछ कपल डॉलर्स देके कुछ पैसे देके अपना अपना वी चैट वेरीफाई करवा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में वी चैट बैन है। ओके एंड अगर आपको चाइना वाला वी चैट डाउनलोड करेंगे तो आपको एक चाइना से वेरीफिकेशन मांगेगा। ओके तो आपके अगर कोई भी फ्रेंड है लाइक डिस्कॉर्ड पे एफी गेम में आपको कोई भी चाइनीज़ फ्रेंड है, वहाँ से आप नंबर लेके वी चैट वेरीफाई करा सकते हैं एंड फिर आप गेम को प्री रजिस्टर करके खेल सकते हैं जब वो आ जाएगा। तो बी श्योर आपके पास चाइनीज़ नंबर होना चाहिए, अगर आपके पास चाइनीज़ नंबर नहीं है तो आप ये गेम नहीं खेल सकते हैं। मे भी देखते हैं अगर गेम लॉन्च हुआ, मतलब कि 13 to 16 के बीच में इसका अगर अर्ली एक्सेस मिला तो हम लोग शायद मे भी कोई ट्रिक लगा सके और गेम एंटर कर सके, मगर अभी के लिए तो आपको ये सब चीज़ें नेसेसरी है। तो बी श्योर गाइज प्री रजिस्टर करके रखो अगर आपने नहीं किया हुआ है। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऐसे ही फॉलो करते रहना, और कमेंट करके जरूर बताना आप गेम के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। सो बाय।